नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं 5 नए बिजनेस आइडियाज, जिसमें आपको सामान कहाँ से मिलेगा, सेल कहाँ पे करना है, कैसे बिजनेस शुरू करना है, उसके उन बिजनेसेस का आपको ब्रीफ में बताएंगे। सो वीडियो ज्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही डेली के 5 बिजनेस आइडियाज आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए करते हैं बिजनेस वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो नंबर है 12। फर्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करें तो वो है चॉकलेट का बिजनेस। अभी यहाँ पे दो चीजें हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पे फिर से वही बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो ये ना सोचे कि यार बिजनेस अभी मैं रेडी लगाऊंगा या मैं ऐसे करूंगा। भाई देखो, कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। हर बार एक एग्जाम्पल देता हूँ, चाय वाला एक छोटा सा बिजनेस था और आज की डेट में कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। सो हर बार जो काम है वो छोटा छोटा ही शुरू होता है। हाँ, ये अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं करना है तो आप थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप रेडी वाला काम मत करो, आप स्टॉल लगा लो, ठीक है, या आप किसी बंदे को हायर कर लो। तो सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। आपको आइडिया देता हूँ, आपको उस आइडिया पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपके ऊपर है। सो फर्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करें तो वो है जी चॉकलेट का बिजनेस। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या रहेगा, हर वीडियो में जैसे बताते हैं कि मार्केट में कंपटीशन, अपने को डिफरेंट क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना है, लूज चॉकलेट जो होती है, जो चॉकलेट की कैंडीज होती है लूज में, आपको इंडिया मार्ट से लेनी है, आपको किलो के भाव से मिल जाएंगी। उसके साथ आपको लेने स्मॉल टॉयज, छोटे छोटे टॉयज होते हैं जो बच्चों को गिफ्ट में मिलते हैं। उसके साथ आपको क्या करना है, वन साइड ट्रांसपेरेंट पैकिंग लेनी है। ये आप देख सकते हो, आपको इस तरह की एक चीज लेनी है। ये पैकिंग आपको इंडिया मार्ट से लोकल कहीं भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कैंडीज जो चॉकलेट है वो डालनी, दिखनी चाहिए। और इसके साथ एक छोटा सा, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं मैं, स्मॉल टॉयज इन बल्क, ये देखो सिर्फ 90 पैसे का एक पड़ रहा है। ये चीजें आपको इसमें डालनी है। ये तो 60 रुपए चले तो बड़ा है, ये देखो 90 पैसे का ये हो गया। ये चीजें आपको डालनी है, ठीक है जी, ये सारे हो गए, ये हो गया, ठीक है जी। ये देखो ये सारे टॉयज हैं, विसल आप डाल सकते हो। ये देखो जैसे ये छोटे छोटे टॉयज हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद है। और अपने को क्या काम करना है, मेन इसमें बच्चों को ही अट्रैक्ट करना है। तो आपको एक छोटा सा गिफ्ट बीच में डाल देना है कैंडीज के, ये पैकिंग, और ये पैकिंग भी जो है 10 रुपए के पैकिंग में ही हमको निकालना है। ये कॉस्ट मैक्सिमम आपको, जब किलो के हिसाब से आप सारा सामान लोगे ना, तो ये पैकिंग आपको सिर्फ 2 से 3 रुपए, मैक्स आपको 4 रुपए की पड़ेगी। और 4 रुपए के अकॉर्डिंग आप अगर इसको 10 या 20 रुपए में सेल करते हो तो आपका इजिली महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए का मार्जिन है। और ये चीजें बच्चे 12 महीने 30 दिन खाते हैं। और इसके एक फ्रंट पे जो आपको डिजाइनिंग करनी है वो आपको माई परफेक्ट पैक या किसी भी आप प्रिंटिंग हाउस अपने लोकल शहर के किसी भी प्रिंटिंग वाले से करवा सकते हो। और उसके साथ एक छोटा सा स्टिकर या एक चीज जरूर मेंशन करना, गिफ्ट इनसाइड का, ठीक है जी, जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा प्रेजेंटेशन में और बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करें तो जो वो है डिटर्जेंट का बिजनेस। आज की डेट में इस बिजनेस में भी बहुत पैसा है। आपको लूज में डिटर्जेंट जो है आपको इंडिया मार्ट से खरीद लेना है, या आप किसी भी लोकल स्टोर से जहां से आपको लूज में मिलता है आप वहां से खरीद सकते हो। पैकिंग जो है अभी यहाँ पे डिफरेंट क्या रहता है वो चीज का ध्यान रखना, जो आपकी पैकिंग है वो आपको डिफरेंट कलर की रखनी है। अभी आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी चीज, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, मोस्टली जो है ब्लू कलर है। अभी इसमें सबसे ज्यादा गेम किसने कमाई, अगर मार्केट की बात करें तो एरियल टाइड जैसे इन्होंने कलर चेंज करके, आप ये देखो ज्यादातर अगर आप देखोगे ना तो मोस्टली ब्लू कलर की पैकिंग आती, लेकिन यहाँ पे एरियल ने और टाइड ने जब डिफरेंट किया तो ये एक दुकान के स्टॉल पे या रैक पे जब लगे होते हैं तो डिफरेंट ही दिखते हैं, तो लोग इनको पहले प्रेफर करते हैं। क्योंकि बाकी सब सेम है, कलर भी सेम है, सब कुछ दिखने में भी सेम होता है, तो कंपैरिजन करना है या कौन सा लें उसमें कंफ्यूजन होती। तो आपको जो है जो कलर है वो डिफरेंट रखना है। इसमें आपकी सिर्फ टोटल कॉस्ट जो है 15 से 18 हज़ार रुपये की आएगी, क्योंकि जब ये आपको डिटर्जेंट पैकिंग में मिल जाएगा तो कम से कम 50-100-200 पैकिंग तक का काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो 15 से 18 हज़ार की आपकी कॉस्ट रहेगी, और आप इनको लोकल शॉप्स में जो है सेल कर सकते हो क्वांटिटी में। एक और चीज आपको रखनी है इसमें, कोशिश करें जैसे कि घड़ी डिटर्जेंट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ उनकी, क्या वो टैगलाइन से पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उसी तरह से अलग से कुछ टैगलाइन रखो। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे या कोई एडवर्टाइजमेंट करते हो खुद से भी, तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ यार, एक टिप्स पे या बोलते ना मुंह पे वो चीज आनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसी बात सामने है तो उसी चीज का ध्यान में है। अभी जैसे किसी को भी आप बोलोगे, लेडीज को या नॉर्मली जो भी बच्चे टीवी देखते हैं उनके सामने ये लाइन बोलो कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ये किस चीज की, उनको सीधा सीधा दिमाग में घड़ी डिटर्जेंट का एड जो है डिस्प्ले होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। कुछ अलग से कोई यूनिक सी टैगलाइन आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करें तो जी आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और इससे लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, और इसमें
आपकी जो इन्वेस्टमेंट आई थिंक सो बिल्कुल ही जीरो इन्वेस्टमेंट के आसपास आप पकड़ के चलो। आपको क्या करना है, लोकल प्रिंटिंग हाउस वालों से जो कार्ड्स वगैरह बनाते हैं उनसे वेडिंग कार्ड्स का जो है ले लेने हैं आइडियाज के। यहाँ भी हमें कुछ सैंपल्स दे दीजिए, हम वेडिंग इनका वेडिंग कार्ड का जो बिजनेस करना चाहते हैं। अगर वो एक सिंपल कस्टमर को, मान लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कार्ड वो सिंपल कस्टमर को 10 रुपए का दे रहे तो उनको खुद को 2-3 रुपए या 4 रुपए का पड़ता है। आप उनको बोलो कि आप मेरे को होलसेल प्राइस के अकॉर्डिंग बताओ तो शायद वो 1 या 2 रुपए का मार्जिन रख के आपको बता देंगे कि आपको ये कॉस्ट पड़ेगा। और इसमें डिफरेंट क्या करना है, जब आपका पूरा कैटलॉग बन जाएगा आप उसको व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे आपके जो है ना आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप बिजनेस में बहुत सारे ऑप्शंस है, चैनल बन जाता है, कम्युनिटी बन जाती है, तो वहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें डिफरेंट क्या रखना है, आपको जो सैंपल्स लेने हो, जो कुछ आइडियाज बनाने, उसमें कुछ डिफरेंट रखना है। ये लास्ट एक, ये एक तो फोटो है लेकिन ऐसे ही लास्ट एक मेरे घर पे भी लास्ट टू लास्ट मंथ जो मैरिज थी उन्होंने भी ऐसा बनाया था। ये बोर्डिंग पास था एंट्री के लिए, जो रिसेप्शन था ये इनका पासपोर्ट था जहाँ पे मैरिज का फोटो भी, ये मतलब ओरिजिनल ऐसा डिट्टो ऐसा, मतलब इससे भी अच्छा था ये तो चले कंप्यूटराइज फोटो है। तो ऐसा ही एक कार्ड मेरे पास भी घर पे आया था, मतलब बिल्कुल यूनिक चीज थी जो बहुत अच्छी कर रही। तो आज की डेट में आप मानोगे नहीं, इस चीज के ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग आज की डेट में एल्बम्स हो गए, फोटोज हो गए, इन चीजों का क्रेज लोगों को रहता है कि हाँ भी वो मेमोरी संभाल कर रखे और उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। पोस्ट तभी करेंगे ना जब उनके हाथ में कुछ होगा, जब ऐसा कुछ कार्ड बनेगा तो वो खुद से पोस्ट करेंगे, उनके दोस्त रिलेटिव जब उनके घर पे कार्ड आएगा तो वो भी पोस्ट करते कि हाँ हमारे घर पे ऐसा कार्ड आया है, अभी मैरिज पे जाना है या कुछ भी, तो सब अपनी कोई ना कोई स्टोरी बना के पोस्ट करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, कुछ अलग करोगे तो यार गेम अच्छी दिनों में आपकी गेम चेंज हो जाएगी। अगर बिजनेस अच्छा आप स्टेब्लिश कर सकते हो, बात सिर्फ एक मार्केटिंग की है, प्रेजेंटेशन की है, ठीक है जी, इसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे ना तो इजिली आप गेम चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करें तो जी वो है सौंफ का बिजनेस। अभी इसमें आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल जो आपकी सौंफ है वो सारी आपको इजिली लोकल और इंडिया मार्ट की वेबसाइट से मिल जाएगी। ट्रांसपेरेंट पैकिंग, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट पैकिंग जो आपको सेम लोकल इंडिया मार्ट से मिल जाएगी। अभी आपको यहाँ पे सेल कहाँ पे करना है, आपको जो लोकल शॉप है या ऑनलाइन इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट है, अभी जैसे इंडिया मार्ट से आपने लूज में लिया कि मेरे को 1 किलो चाहिए तो 1 किलो मान लो 100 रुपए के 200 रुपए की, आपको क्या करना है, इंडिया मार्ट पे और भी लोग हैं जो और कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इनकी 5 रुपए और 10 रुपए वाली पैकिंग बनानी है। जो लोकल शॉप्स पे तो बच्चे खरीदते खरीदते हैं लेकिन आपको इंडिया मार्ट पे भी रजिस्टर कर देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जितना मेरे ध्यान में है। आपको 5 रुपए 10 रुपए वाली पैकिंग बना के रख लेनी है और आपको इंडिया मार्ट से क्या पता कोई दुकानदार ऐसा हो कि हाँ भी जिसको ये पैकिंग चाहिए, आप लोकल को तो सेल कर ही रहे हो लेकिन आपको बड़ा ऑर्डर इंडिया मार्ट की वेबसाइट से जहाँ से रॉ मटेरियल की वहां से भी आ सकता है। और इसके लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ एक सीलिंग मशीन की है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपका रॉ मटेरियल की बात करूँ या ट्रांसपेरेंट पैकिंग की बात करूँ तो मोटा मोटा ये 2-4 हजार रुपए का आपका सामान, और इंक्लूडिंग सीलिंग मशीन की बात करूँ तो आपका ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और ये सौंफ आप देख सकते हो कुछ ऐसा डिफरेंट भी रखोगे तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर नॉर्मली जो बच्चे सौंफ खाते हैं वो रखोगे तो भी चलेगा। ये आपके ऊपर आपको एग्जैक्टली करना क्या है, और इसमें अर्निंग मानो तो डेली की आपकी अच्छी सेल हो सकती है। दुकानदारों को जब माल जाएगा ये नहीं कि कोई बोलेगा 2 पैकेट दे दिया, क्योंकि पैकेट पहले ही 5 या 10 रुपए का होता तो वो सीधे सीधे 10 पैकेट भी नहीं रखते, वो कहते कि हाँ भी हमें 100 पैकेट या एक डब्बा जो भी आप पैकिंग रखोगे, कि मेरे पास मिनिमम 50 पीस की पैकिंग है तो वैसे रख लेते, तो आपकी इजिली दिन की 8 से 10 हजार रुपए की सेल हो जाएगी। और अगर मार्जिन को लेके चलो तो 10 से 20% का या 30% का मार्जिन भी पकड़ कर चलो ना, महीने का आप 80 से 90 हजार रुपए, अगर आप डेली की 10 हजार 15 हजार की सेल भी करते हो तो आप डेली का महीने का 80 से 90 हजार रुपए अकेला प्रॉफिट प्रॉफिट में बचा सकते हो। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करें तो जो है पापड़ का बिजनेस। अभी ये सबसे बेस्ट बिजनेस आज की डेट में अगर बोलूँ ना है, और इसमें पैसा 70-80% मार्जिन है। अभी यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ 70-80% मार्जिन, क्योंकि ये अपने इंडिया का कल्चर है और ये चीजें लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं बाहर वाले देशों में, तो यहाँ पे आपको कहीं से खरीदना नहीं है, ये आपको घर से बनाना। आप अपने मम्मी दादी या अपने घर पे किसी भी लेडीज को पूछ सकते हो कि पापड़ कैसे बनाते हैं और वो बनाते हैं, ये अपने इंडिया का कल्चर है। तो सबसे बेस्ट बिजनेस और सबसे लंबा चलने वाला बिजनेस अचार और पापड़ का बिजनेस होता है। अचार का चलो अपन आगे वाली वीडियोज में बात करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा ताम झाम ज्यादा रहता है। यहाँ पे पापड़ का बिजनेस क्या है, आपको करना है खुद का जो घर पे है पापड़ बनाने हैं, सूखने जैसे सूख जाते हैं सब कुछ, तो ऐसे पापड़ आपके जब बन जाएंगे तो आपको क्या करना है, वन साइड ट्रांसपेरेंट बैग लेना है, वो आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा या आप इंडिया मार्ट से ले सकते हो। लेबलिंग आपको अपना नाम, आपकी ब्रांडिंग विस्टा प्रिंट करके एक वेबसाइट है, वहां से आप वहां पे अपनी ब्रांडिंग, अपना कंपनी का नाम जो भी आप बनाना चाहते हो, मतलब छोटा सा जैसे विजिटिंग कार्ड होता है वैसे छोटे छोटे स्टिकर्स बन जाएंगे जो आपके
पैकिंग के ऊपर लग जाएंगे। अगर आप दोनों साइड ट्रांसपेरेंट ले रहे हो तो आपके पैकिंग के ऊपर वो लग जाएंगे। अगर आप वन साइड ट्रांसपेरेंट ले रहे हो, वन साइड पे आपका, जैसे मैं आपको दिखाऊं, वन साइड ट्रांसपेरेंट, अगर आप इस तरह के पाउच ले रहे हो तो इस साइड पे आपकी ब्रांडिंग हो सकती है, जिस इस साइड पे आपकी जो स्टफिंग है, जो आपके पापड़ है वो दिख जाएंगे। और अगर आप दोनों साइड पे ट्रांसपेरेंट ले रहे हो तो आप वहाँ पे जो साइड पे छोटा सा स्टिकर होता है वो आप लगा सकते हो, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। और इसमें इजिली आपका 70-80% मार्जिन है, क्योंकि पापड़ आपका घर पे बन जाना है और ये सिर्फ आपके ट्रांसपेरेंट बैग का, और बहुत ही कम लागत जो है आपके यहाँ पे आती है। और इजिली ये अगर 3-4 रुपए का या 5 रुपए का या 10 रुपए का भी आपको 10 पड़ेंगे ना, तो मार्केट में अमेजोन जैसी वेबसाइट पे आपको 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये में ये पैकेट जो है सेल होते दिखेंगे। ठीक है जी। और इजीली मैंने तो यहाँ पे बहुत मिनिमम मार्जिन लिखा, अगर आप इसको अच्छे लेवल पे खेलते हो ना, ऑनलाइन स्टोर अमेजोन वगैरह सब जगह आप इसको अगर आप करते हो, आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि मेरे को क्या कॉस्ट करता है, तो आप यहाँ पे इजिली 90,000 तो छोड़ो, आप इसमें 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जैसे अमाउंट भी कमा सकते हो। और ये पापड़ 12 महीने 30 दिन चलता है, और सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स में ये सेल होता है, ये भी आपको पता है। और इन चीजों की 12 महीने 30 दिन की सेल है, तो ये मत सोचना कि यार ये बहुत ही लिमिटेड सा बिजनेस है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको मार्केट में क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने चैनल को। ऐसे ही डेली बिजनेस आइडियाज आपको आने वाले दिनों में भी मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। और एक छोटी सी चीज़ का और ध्यान रखना है, आप जब भी कोई बिजनेस करना चाहो, मेक श्योर को इसको पूरा स्टडी करके अपना बिजनेस करिएगा। आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा नुकसान का घर होती है। मेरा काम था आपको आइडियाज देना, आपको टिप्स देना, इसके आगे पूरी इन्फॉर्मेशन स्टडी करके आपको बिजनेस स्टार्ट करना, तो ध्यान रख के चलिएगा। और गुड लक मेरी तरफ से अपने, अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि आपका आगे आने वाले दिनों में अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जल्दी आपको सक्सेस मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप स्माइलिंग। नमस्कार।